गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन द फिफ्थ लेसन ऑफ क्लास फिफ्थ SST, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. सो लेट्स बिगिन. लेट्स रीड आउट द फर्स्ट पैराग्राफ. लैंड एंड वाटर कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ज़मीन और पानी जो है हमारे अर्थ के सर्फेस को कवर करता है, जिसमें लैंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 29% को कवर करता है और वाटर जो है, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो 71% सरफेस को कवर करती हैं. सो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर बिग लैंड मासेज एंड लार्ज एक्सपेंस ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. कॉन्टिनेंट जो है बिग लैंड मासेज हैं, ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से होते हैं हमारे अर्थ पे, जिन्हें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. सो इन दिस मैप वी कैन सी ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स इन दिस मैप. सो हमारे जो ऑल 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हम इस मैप में देख सकते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. सो ऑल दिस 7 कॉन्टिनेंट्स यू कैन सी इन दिस मैप. और चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज लैंड मासेस. देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ इन द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. So continents जो है वो huge land masses होती हैं और 7 continents है इस हमारे planet पे, ठीक है. So अगर इसे हम order में अगर बताएं, जो बड़े से छोटे में, तो सबसे पहले Asia आता है, then Africa, North America, South America, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस प्लैनेट. ईच कॉन्टिनेंट इज़ सराउंडेड बाई ओशंस एंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. हर कॉन्टिनेंट जो है वो ओशंस से घिरे हुए हैं, ठीक है. सो फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट है, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो एशिया. जो एशिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. So Asia is the largest continent and covers nearly 1/3 of the land area of Earth. Asia जो है वो सबसे बड़ा continent है और ये सारे land mass का 1/3% जो है acquire करती है. It is surrounded by oceans on 3 sides. Arctic Ocean, north में, Pacific Ocean east में and Indian Ocean south में, ठीक है. It has variety of landforms. It has Mount Everest, which is the world's highest peak. Asia में world का सबसे highest peak है, जिसे Mount Everest हम जानते हैं. The Dead Sea, which is world's lowest point on land. Dead Sea जो है, जो world का सबसे lowest point है ज़मीन पे. And then it also has the Gobi Desert, which is a cold desert, and the Arabian Desert, which is a hot desert. So ये कुछ important places हैं Asia के. ओके, देन द हिमालय आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज. हिमालय जो है, जो एशिया में है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. जापान, चाइना एंड इंडिया आर सम प्रोमिनेंट कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट. सो जापान, चाइना और इंडिया जो है इस देश के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध देश हैं, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के. नेक्स्ट हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं. अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड. अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. द मेडिटेरेनियन सी लाइज इन इट्स नॉर्थ. अफ्रीका के नॉर्थ में जो है वो मेडिटेरेनियन सी है. द इंडियन ओशन टू इट्स ईस्ट. ईस्ट में इंडियन ओशन है एंड अटलांटिक ओशन टू वेस्ट, और वेस्ट में अटलांटिक ओशन है. Some of its prominent features are Sahara Desert, the Nile River and the Victoria Falls. कुछ important places जो है अफ्रीका में वो है Sahara Desert, Nile River. Nile River जो आप world's longest river है, ये Nile River and Victoria Falls. So the Sahara is the world's largest desert, Nile is the world's longest river and Victoria Falls is one of the world's largest waterfall है. So सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है. नील रिवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बताया, ये वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी है. और विक्टोरिया फॉल्स जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल. सो माउंट किलिमंजारो इज़ द कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक.
अफ्रीका की सबसे जो ऊंची जो चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाई द आर्कटिक, अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन ऑन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रिस्पेक्टिवली। द रॉकी माउंटेन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज हीयर। रॉकी माउंटेन जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी जो है माउंटेन रेंज है। द इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका इन द साउथ। इस्थमस ऑफ पनामा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है नॉर्थ अमेरिका, जो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है साउथ में। देन द बेरिंग सी सेपरेट्स इट फ्रॉम एशिया इन द वेस्ट। और वेस्टर्न रीजन में नॉर्थ अमेरिका को बेरिंग सी जो है वो अलग करती है। देनाली फॉर्मली नोन एज माउंट मैकिनली इज़ द कॉन्टिनेंट्स हाइएस्ट पीक। माउंट मैकिनली जो है वो नॉर्थ अमेरिका की हाइएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको आर सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़। और इस कॉन्टिनेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं वो हैं यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो है सबसे बड़ी चौथी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट लाइज बिलो नॉर्थ अमेरिका एंड इज़ कनेक्टेड टू इट बाई द इस्थमस ऑफ पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है और इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ी हुई है नॉर्थ अमेरिका के साथ में। सो साउथ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे द एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजल फॉल्स पाया जाता है साउथ अमेरिका में, जो कि वेनेजुएला नाम के कंट्री में है, और ये वर्ल्ड की सबसे ऊँची वाटरफॉल फॉल है। द अटाकामा डेजर्ट इन चिली। अटाकामा डेजर्ट जो है, जो कि चिली में लोकेटेड है, इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन आवर प्लानट। अटाकामा डेजर्ट को वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है। सो ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर इम्पॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ विथ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो साउथ अमेरिका में जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही हैं वो है ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट अंटार्कटिका की बात कर लेते हैं हम। अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सराउंडेड बाई द इंडियन, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन। अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड की, और ये चारों तरफ से घिरी हुई है इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन से। इट लाइज एंटायरली विद इन द अंटार्कटिक सर्कल। साउथ पोल लाइज एज इट्स सेंटर। अंटार्कटिका जो है कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इट इज़ नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट और द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इसे वाइट कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है या फ्रोजन कॉन्टिनेंट। क्यों, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाई अ थिक लेयर ऑफ परमानेंट आइस। अंटार्कटिका जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड है आइस से, परमानेंट आइस। ओके, दिस मेक्स इट द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और ये इसी रीज़न से ये वर्ल्ड का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। सो द कंडीशन मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ओनली साइंटिस्ट स्टे हियर टू परफॉर्म रिसर्च वर्क। अंटार्कटिका में ह्यूमन हैबिटेशन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे इंसान नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही हार्श हैं, डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग ही रहते हैं जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग देशों के, जो रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पे रहते हैं। सम ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अंटार्कटिका इंक्लूड पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स एंड अल्बाट्रोस। कुछ एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, उनका नाम है पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स एंड अल्बाट्रोस। सो अगला कॉन्टिनेंट यूरोप की बात कर लेते हैं हम। यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट के मुकाबले। द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में
कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी उन्नत हैं, जिनका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। यूरोप इज़ ऑफ़न नोन एज़ द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी कहते हैं। रीज़न क्या है? इसके पीछे दो कारण हैं। फर्स्ट, इट हैज़ सेवरल पेनिनसुलाज लाइक द स्कैंडिनेवियन, बल्कन एंड इटालियन पेनिनसुलाज। इस कॉन्टिनेंट में कई सारे पेनिनसुलाज पाए जाते हैं। तो इसका पहला रीज़न ये है कि ढेर सारे पेनिनसुलास पाए जाने के कारण इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहते हैं। सेकंड रीज़न क्या है? यूरोप इटसेल्फ लुक्स लाइक अ जायंट पेनिनसुला। यूरोप जो है खुद ये कॉन्टिनेंट एक पेनिनसुला की तरह दिखता है। इट इज़ सराउंडेड बाई द आर्कटिक ओशन ऑन नॉर्थ, अटलांटिक ओशन एंड वेस्ट वेस्ट एंड द मेडिटेरेनियन सी ऑन द साउथ। सो नेक्स्ट और लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम, जो है ऑस्ट्रेलिया। सो लास्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। अलॉन्ग विथ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूजीलैंड एंड इन्यूमरेबल स्मॉल आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड भी है और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। दिस आइलैंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज ओशनिया। द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वर्ल्ड फेमस कोरल रीफ। विश्व का सबसे फेमस जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। ठीक है, माउंट कोसियोस्को इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। माउंट कोसियोस्को जो है वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओशंस के बारे में। ओशंस यानी महासागर। सो एन ओशन इज़ वन लार्ज कंटिन्यूस बॉडी ऑफ वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स। ओशंस क्या होते हैं? बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से सराउंड किए रहते हैं। ठीक है, देर आर फाइव ओशंस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में फाइव ओशंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। जो फाइव ओशंस हैं उनका नाम कुछ इस तरीके से है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। पैसिफिक ओशन जो है वो अर्थ हमारे प्लानट का सबसे बड़ा ओशन है और साथ ही साथ सबसे गहरा ओशन भी है। इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। द डीपेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट नोन एज द मरियाना ट्रेंच लाइज ऑन इट्स ओशन फ्लोर। पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पाई जाती है, जिसे मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट्स शेप रिसेम्बल्स द लेटर एच। अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है और इसका जो शेप है वो एस की तरह है। सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज नोन एज द मिड अटलांटिक रिज इज़ लोकेटेड ऑन इट्स फ्लोर। इस महासागर अटलांटिक ओशन के अंदर में एक माउंटेन है जिसे मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है। द पीक्स ऑफ दिस रिज फॉर्म मैनी आइलैंड्स इन द ओशन, और ये रिज जो है ढेर सारे आइलैंड्स को लेकर बना हुआ है। अगला ओशन जो है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 4,000 मीटर्स। इंडियन ओशन जो है वो तीसरी सबसे बड़ी ओशन है और इसकी जो गहराई है वो अराउंड 4,000 मीटर्स की है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओशन। इस ओशन में जो टू इम्पॉर्टेंट ओशन सीज़ जो हैं वो है अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन ओशन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई मर्जिंग ऑफ साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न ओशन जो है वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है।
सो बात कर लेते हैं लास्ट एंड आर्कटिक ओशन के बारे में. सो आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन एंड लाइज मोस्टली इन द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ये पोलर रीजन नॉर्थ पोल के आसपास लोकेटेड है. सो यहाँ का जो टेम्परेचर वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है इस ओशन की वो मोस्टली फ्रोजन है, यानी जमा हुआ है लो टेम्परेचर की वजह से. सो दैट्स इट गाइज, इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे.